इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अडानी विल्मार स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्टॉक में खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और इस समय इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या यहां से एग्जिट कर दें या बने रहें, उसको थोड़ा समझेंगे। जैसे कि आपको पता है, दो क्वार्टर से जो है कंपनी निगेटिव नंबर्स डिक्लेयर कर रही है। स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म रहा है, पिछले वन ईयर के ट्रेंड काफी वीक रहे और इस समय रिसेंट के ट्रेंड और न्यूज को समझे। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। हमने आपसे क्या कहा था कि Q2 के जो नंबर्स हैं वो निगेटिव रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इसके नंबर्स देखेंगे तो सेल्स, यहां देखेंगे तो सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो घटते हुए दिखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो फ्लैट निगेटिव रहे। लेकिन जो लॉस मेकिंग कंपनी इसीलिए रहा है क्योंकि इस कंपनी में यहां देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 1% है, जितना सेल उतना एक्सपेंस, बीच में कुछ मार्जिन है नहीं, तो कंपनी आ गई निगेटिव में। लेकिन 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 एक बड़ी बात है, यहां इसके डिटेल्स को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इस समय स्टॉक जो है FMCG के एडिबल ऑयल के अलावा जो किचन एसेंशियल प्रोडक्ट है उसमें चावल, गेहूं, सुगर और इन सब चीजों पे बेटर काम कर रहा है। और जिस प्रकार से यहां देखेंगे जो पोहा वगैरह या फिर FMCG में जिस प्रकार के ग्रोथ हो रहे हैं वो सस्टेनेबल 4, 5, 7, 8 क्वार्टर तक रहा, तो एक बड़ा ट्रेंड देख सकते हैं। अभी भी देखेंगे तो एडिबल ऑयल का जो मार्केट शेयर है वो कंपनी 20%, वेट में 5%, राइस में 8%, और FMCG जो सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप है इसमें 7% FMCG फूड है, 80% एडिबल ऑयल है और इंडस्ट्री एसेंशियल है 14%। तो यहाँ FMCG अगर 30% के ऊपर चला जाता है तो ये स्टॉक अगेन 1200 के प्राइस पे दिखेगा, इजिली दिखेगा, लेकिन थोड़ा वो टाइम टेकिंग है, टाइम लगाएगा। यहां देखेंगे कंपनी के जो कैपेक्स हैं इस समय कैपिटल जो वर्किंग इन प्रोग्रेस में है वो लगभग डबल है, यानी कंपनी इस समय निवेश खुद पे कर रही है। जो डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी तो बेटर दिख रही है लेकिन टेक्निकली अंडर परफॉर्म है, यहाँ थोड़ा फ्लैट होते दिख रहा है। एक बार इसके चार्ट को देखेंगे, चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वन साइडेड डाउन ट्रेंड रहा था। इस समय 300 एक मेजर सपोर्ट है, 300 के SL को लगा करके आप चाहें तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म पोजीशन लिया जा सकता है। वो कैसे लिया जा सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं। चूंकि 300 के जो प्राइस है, यहां देखेंगे जो 300 का प्राइस है ये वाला, ये एक हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल जो है वो रिवर्सल के लिए माना जाता है, ये रिवर्सल के लिए माना जाता है। रिजल्ट वीक रहे उसके बाद भी गिरा नहीं तो 300 के नीचे के SL को लगा करके एक टारगेट इस स्टॉक में, पहला टारगेट 360, 390 और 420 तक के ये तीन लेवल्स ले सकते हैं। बहुत लंबे समय के लिए तो इस समय मुझे बहुत बेटर स्टॉक नहीं लगता क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, लेकिन शॉर्ट टर्म एक प्ले किया जा सकता है। रियल ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा, जब ये स्टॉक 340 के ऊपर की क्लोजिंग दे, फिर ये एक फास्ट मूव आप